देखो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 67, इसी का जनरल एंट्री। एग्जाम में या तो हमारा क्या होता है कि 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, या जनरल एंट्री आ जाएगा। जनरल एंट्री में हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना है। जनरल एंट्री में क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो याद रखना कि बैलेंस बीडी का या बैलेंस सीडी का जनरल एंट्री नहीं करते, ठीक है ना, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी का। और अगर कोई एंट्री हमारा ट्रांसफर हो रहा है तो एक ही जगह करना, कहीं भी एंट्री, दो जगह नहीं। अब देखो मैं करके बताता हूँ जनरल एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो बैलेंस बीडी क्या, इसकी जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करेंगे, तो बाय में है तो एंट्री बनेगा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय का मतलब यहाँ पे अकाउंट डेबिट, और कौन सा अकाउंट है, टू पीस कैपिटल बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, अमाउंट आ गया 1600 और 1600। चलो इसका भी कर लिया। इसके बाद सैलरी का भी करेंगे। सैलरी की कैसे करेंगे हम, सैलरी अकाउंट डेबिट, यानी जो बाय में है वो डेबिट होता है और मैच करते हैं अकाउंट के नाम से, टू पीस कैपिटल। बीइंग सैलरी प्रोवाइड टू, किसको कर दिया भाई प्रोवाइड, पी को, अमाउंट नेक्स्ट। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है, इसको हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, कितने अमाउंट से आएगा, 2000। बीइंग प्रॉफिट कैलकुलेट या प्रॉफिट गिवन टू किसको, पी को। ये वाली सारी एंट्री हो गया, देखो बीडी का नहीं गया। अब देखो ड्राइंग का, ड्राइंग का क्या होगा, ये टू में है ना, तो टू वाले को क्रेडिट करते हैं, तो यहां पे होगा हमारा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, ड्राइंग बाय पी 15000। देखो इसमें कोई डाउट, अब सोचो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, 1 2 3 4 पांचवी जनरल एंट्री बता दो, पीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं IOD, LF का कॉलम आपको क्रिएट करना है, यूज नहीं है वैसे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितने, 1500, 1500 नहीं 1200 है, और 1200 रुपये 1200। अब इसकी एंट्री करेंगे पी एग्जीक्यूटर की, क्या एंट्री होगी बताओ, बताओ, सिक्स पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट और बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर, कितने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, 6940, 6940। अब इसमें आ जाओ, इसकी एंट्री हो चुका है क्योंकि ये ट्रांसफर की एंट्री है, ठीक है।
यहाँ पर लोन की भी कोई एंट्री, अगर आप एक एंट्री और करते हैं लोन की तो एक और कर देते हैं ये लोग, उसको मैंने लोन बना दिया, तो एंट्री क्या होगा सोचो इसका, पीज एग्जीक्यूटर टू, अकाउंट डेबिट टू पीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट और या फिर लिख सकते हो पीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कितने का, 6947 एंट्री बीइंग एग्जीक्यूटर बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट ये लो, क्लियर? तो जनरल एंट्री आ जाए चाहे ये आ जाए, दोनों आप कर सकते हो आराम से। अगर आपको अकाउंट अच्छे से आता है तो जनरल एंट्री तो आराम से कर लोगे उसमें। अब इसे नोट करिए फटाफट, पूरा नोट करना है इसे आप।